नमस्कार, मुझे लगता है कि 90% समस्या गलत शिक्षा पद्धति की देन है। यदि सरकार शिक्षा प्रणाली में देश के गौरवशाली इतिहास को शामिल कर ले तो आधुनिक तकनीक के संसाधनों के माध्यम से बच्चों को एजुकेट करे तो बहुत बड़ी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, यदि सरकारी पाठशालाएं आधुनिक तकनीकों से लैस हो जाएंगी तो जो शिक्षा माफिया हैं उनके चंगुल से देशवासियों को और बहुत से माँ बाप को छुटकारा मिल जाएगा और हमारे विद्यालयों में देशभक्त राष्ट्रभक्त युवा तैयार होंगे। कुछ समतामूलक चीज़ों पर ध्यान देना होगा और उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जैसे विद्यालय के जो मेन्यू है उसमें एक समान भोजन मिले और एक ही क्वालिटी के बैग मिले और एक ही तरह की ड्रेस हो, मतलब यानी कि ड्रेस कोड हो जाए, जिससे जो समाज में ऊंच नीच जाति पाति का जो भेदभाव फैला हुआ है ये सब बंद हो जाए। जो जो बच्चे हैं उनके बचपन से ही उनका माइंडसेट जो हो वो एक होता है कि वो एक दूसरे को समान दृष्टि से देखें, उनके मन में कोई भी भेदभाव ना रहे, ऐसा आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम भी होगा, ऐसा रिजल्ट सामने आएगा तो जो हमारा देश है वो बहुत विकास करेगा और जो माँ बाप हैं वो भी शिक्षा की और अपने बच्चे को बढ़ावा देंगे और जो गरीब माँ बाप हैं वो भी ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे को भी ऐसी शिक्षा मैं दे सकता हूँ जो सिर्फ अब तक जो है बड़े बड़े घरों के लोग दे सकते थे या मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग बहुत मुश्किल से धन जुटा पाते थे अपने बच्चों की फीस देने के लिए। अगर सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था हो जाए और डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी उन्हें जोड़ दिया जाए, आधुनिकीकरण हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो लोग जो है उनको बढ़ावा मिले, इवन अमीर घरों के लोगों को, कि उनको भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वगैरह, वहाँ पर भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों। तो वैसे हमारे इंडिया में भी हो जाए कि एक गरीब से गरीब बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा, आधुनिक हर वो आधुनिक इक्विपमेंट से लेस शिक्षा मिले जो सिर्फ अभी तक अमीरों के बस की बात रही है। तो मैं इतना चाहती हूँ कि ये संदेश मेरा सब तक पहुँचे और सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राष्ट्र को ये जो व्यवसायीकरण हो रहा है शिक्षा का वो उस पर रोक लगे और गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा, या तो एक तरह की फीस निर्धारित कर दे कम से कम और सारे लोग, और ये एक कंपलसरी कर दे कि सभी लोग निजी व्यवसाय छोड़कर सिर्फ गवर्नमेंट निजी शिक्षा के जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको छोड़कर सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जितने राजनेता हैं बड़े बिजनेसमैन, तो गरीब अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें और जाति पाति का भेद मिटे, एक तरह का खाना खाएं, एक तरह का शिक्षा ग्रहण करें और राष्ट्र निर्माण में ये बच्चे जो हैं बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे और शिक्षा को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।